अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। हेल्प, प्लीज हेल्प। इरा, इरा, इरा हिम्मत रख बेटा, शांत हो जा। मेरे डॉक्टर साहब के साथ बात हो चुकी है, उन्होंने एम्बुलेंस भेजा है, वो आती ही होगी। तू चिंता मत कर। माँ मेरी, तारा, तारा को कुछ भी नहीं होगा बेटा, तू हिम्मत रख। तारा होश में आ, तारा आके कौन, तारा मुझे देख, तारा, तारा, तारा ऐसे मत कर, मेरी जान निकल जाएगी तारा, तारा, माँ, तारा, मेरी तारा टूट नहीं सकती, मैं कुछ, कुछ हिम्मत रख बेटा, एम्बुलेंस आती ही होगी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी तारा। ये एम्बुलेंस अभी क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, सुन रही है तू? तारा उठ जा, तारा हिम्मत रख, तारा, तारा तुझे कुछ नहीं होगा। समधन जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? वो आपकी ईरा माया के 3 लाख की ड्रेस पर शरबत फिरा के चली गई। ईरा ने आपकी ड्रेस को खराब किया है? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अभी उसको घसीट के लाती हूँ, आपके पैरों में गिराती हूँ। अरे 3 लाख पर उसने दाग लगा दिए। देखिए बहन जी, बात यहाँ पर 3 लाख की नहीं है, माया तो लाखों की ड्रेसेस खरीद सकती है। तो समधन जी फिर बात क्या है? देखो मैं हूँ माया मेम साहब, माया का गुस्सा है बहुत खराब। आप मुझे ये बताइए, वो ईरा संगीत में ऐसे क्यों भाग रही थी जैसे पटरी पे ट्रेन भागती है? हाँ, कोई वहाँ पर गिरा हुआ था। इस घर में कोई ना कोई राज दफन है। नहीं समधन जी, कोई राज नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। अच्छा, तो क्यों वो हड़बड़ थी? माँ, यहाँ सब ठीक तो है, वो दादी एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रही थी। दामाद जी, दादी तो बस ऐसे नॉनसेंस बातें करती रहती हैं, मतलब मजाक में। देखिए ना, सब कुछ तो ठीक है, सब लोग तो आपके सामने ही हैं। सब कुछ तो ठीक नहीं है, वो माँ बेटी का जोड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? गड़बड़ तो है, कुछ तो जरूर हुआ है। नरेश जी, माया तो आपको पहले से ही बोल रही थी कि इस घर में कोई ना कोई राज छुपा है, कोई भयानक बीमारी का राज। बीमारी? डॉक्टर, एम्बुलेंस आने में थोड़ा देर लग जाएगी, ट्रैफिक जाम में फंसी है। तब तक एक काम करते हैं, इनको घर के अंदर लेके चलते हैं ताकि मैं ट्रीटमेंट शुरू कर सकूं। जल्दी करो, टाइम कम है। अरे वो जोड़ा टूटे फूटे या खाए कोड़ा, आप क्यों उसकी फिक्र करते हाँ। हैं? अरे वो हमारे घर से थोड़ी है, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। लेकिन आंटी, तारा तो आपको चाची बुलाती है और मोली पोली को दीदी बुलाती है। ये बात तो है। चाची तो वो मोहल्ले की हर औरत को बुलाती है, अब वैसे जैसे तुम आंटी बुलाते हो, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि गली मोहल्ले की सारी औरतें चाची हो जाएंगी और हमारे घर में आके बैठ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा पॉली पॉली की मम्मी ने, हमारा सच में उन दोनों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। समधन जी, अब बिना बात कैसे परेशान मत हो गए। आखिर कहीं कहां तारा, मुझे उसे ढूंढना होगा। कहीं घर पे तो नहीं आ गई?
तारा। हाँ चली गई तारा, फोन करता हूँ। फोन उठाओ तारा। फोन भी नहीं उठा रही है, घर में भी नहीं है, रूम में नहीं है। टेरेस, टेरेस पे चेक करता हूँ। हार्ट रेट ड्रॉप होता जा रहा है, बहुत डेंजरस है ये, कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा साइन नहीं है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है इससे। नहीं डॉक्टर, कुछ कीजिए प्लीज। इसका बस एक ही रास्ता बचा है, इसके हार्ट पे डायरेक्ट इंजेक्शन लगाना होगा। तो दीजिए ना डॉक्टर, जल्दी कीजिए। मैं किसी भी कीमत पर मेरी तारा को खो नहीं सकती। जल्दी कीजिए डॉक्टर, कोई टाइम मत वेस्ट कीजिए, मुझे मेरी तारा चाहिए। मैं मेरी तारा को जाने नहीं दे सकती। प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे इसके अलावा कोई नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? दीजिए ना इंजेक्शन। इसे डायरेक्ट हार्ट में लगाना होता है, मिस हो गया तो इसका असर नहीं होगा। समधन जी, आप भी क्या सीता गीता की जोड़ी को लेकर बैठी हैं? अरे ड्रामे बाजे, नौटंकी ही करती रहती हैं। एक को रुकना नहीं आता, दूसरी को चलना नहीं आता। अरे संस्कार ही नहीं है, गिरना पड़ना भी एक नाटक ही है। अरे इसलिए गिरती पड़ती रहती है ताकि काम ही ना करना पड़े, और मां जानबूझ के भागती रहती ताकि बेटे की कोई शिकायत ही ना सुननी पड़े। अच्छा ऐसी बात है, शालू तो एक काम कीजिए, उन दोनों माँ बेटी को बुला के लेके आइए। माया भी तो देखिए उनकी नौटंकी। नहीं नहीं समधन जी, बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ? बुलाने की जरूरत है, आप उनको यहाँ पर लेकर आइए। माया उन दोनों का यहाँ पर इंतजार कर रही है। चाहिए असर होगा डॉक्टर, असर होगा।
तुझे उठना पड़ेगा तारा, मेरे दिल कांप रहे पर मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। ये इंजेक्शन मैं दूंगी तुझे। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर।